हेलो फ्रेंड्स, किचन अर्चना का में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस प्रोटीन से भरी हुई रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको अगर आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स सुबह ब्रेकफास्ट में खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। और ये इस नाश्ते को मैंने दो तरह से बनाना दिखाया है, तो आप जैसा भी चाहें वैसा बना सकते हैं। और वीडियो पूरा देखना और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ शेयर करना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप के करीब हरा मटर, ये एकदम फ्रेश मटर है जो कि अभी मार्केट में बहुत आता है। तो यहाँ पर इस मटर को हम एक जार में डालेंगे जिसमें हम ग्राइंड करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्ची डालेंगे और 6 से 7 लहसुन की कलियां डालेंगे और ढेर सारा इसमें धनिया पत्ता, वो भी डंठल के साथ इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा कट कर देंगे तो ये इजीली से पिस जाएगा। और इसके डंठल को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, क्योंकि डंठल भी धनिया के बहुत हेल्दी होते हैं, तो उसको ज़रूर डालिए। और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे तो पेस्ट तैयार हो चुका है, तो एक बड़ा सा बाउल लेंगे। बाउल में 1 कप के करीब बारीक वाली सूजी जो आती है वो डालेंगे। अगर मोटी वाली सूजी है तो उसको ग्राइंडिंग जार में डाल के आप पीस सकते हैं। यहाँ पे 1 छोटा कप, मतलब जो बड़ा कप मैंने सूजी डाली थी उसी का 1/2 कप मैंने यहाँ पे चावल का आटा ऐड किया है, और बड़े वाले कप के हिसाब से यहाँ पे दही ऐड किया है। दही मैंने गाढ़ा लिया है, आप चाहें तो पानी वाला भी ले सकते हैं। अब जो ये मटर और धनिया का पेस्ट पीस के रखा था, इसको इस बैटर के साथ मिक्स कर देंगे, मतलब सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसको अच्छे से धुल के डाल लेंगे, ताकि इसमें इसका कलर बहुत नाश्ते का अच्छा आएगा। अब इसमें पानी भी मैंने धुल के डाल दिया। अब इसको स्पैचुला से या किसी चम्मच से या आप विस्क से अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, ताकि जो भी चावल है, सूजी वगैरह, दही, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और चावल का काम कैसा होता है, जब भी वो पानी के संपर्क में आता है तो वो पानी को सोख करने लगता है। तो ये अभी इस तरह का दिख रहा है गाढ़ा, अभी और ज़्यादा जब सूजी फूलेगी और चावल का आटा फूलेगा तो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको ढक के अभी हम रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, अब पैन में डालेंगे क्योंकि हम चटनी बनाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल। तो यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। अब इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इतना रोस्ट करेंगे कि इनका छिलका बाहर निकलने लगे। तो अब इसी में मैंने ये ड्राई कोकोनट, जो डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं ना, उसको डाल देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। और बहुत अच्छा इस चटनी में इसकी खुशबू आती है, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं अगर नहीं भूनना है। अभी गैस मैंने बिल्कुल से बंद कर दिया। इसमें डालेंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च 3, जिससे कि तीखापन नहीं आएगा पर चटनी का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से, अब मैंने स्टेज पर गैस बंद कर दिया और ऐसे ही रोस्ट कर लूँगी। अब ग्राइंडिंग जार में इन तीनों चीज़ों को डाल देंगे। आप चाहें तो मूंगफली का छिलका निकाल सकते हैं या बिना छिलका निकाले भी पीस सकते हैं, क्योंकि छिलके में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो उसको छिलके के साथ ही खाना चाहिए। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, तो मैंने 1 चम्मच इसमें नमक ऐड किया है, और 1 चम्मच आमचूर पाउडर जो कि खटास के लिए है, और 1 से 2 चम्मच बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे डाला हुआ है पानी। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारी गाढ़ी एकदम सुपर डिलीशियस वाली चटनी बनके तैयार है। और इसमें जार को धुल के आप चाहें तो डाल सकते हैं अगर ज़्यादा आपको चटनी गाढ़ी लगती है। तो ये हमारी सुपर डिलीशियस, बिल्कुल टेस्ट से भरी हुई और हेल्दी चटनी बनके तैयार है। अब यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया, पैन में तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छी तरीके से गरम करेंगे। जब भी तड़का आप लगाइए तो तेल अच्छी तरीके से गरम होता है तो बहुत अच्छा तड़का लगता है। 1 चम्मच यहाँ पे राई दाना मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब उड़द और चना दाल, जो कि बहुत ही इस चटनी में टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे आप चाहें तो थोड़े से कड़ी पत्ते अगर हैं तो डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए तेल एकदम से गर्म है ना, तो उसमें बिल्कुल से जलने जैसा वो हो रहा है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि पूरी चटनी में इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। और ये चटनी एक बार आप ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुपर डिलीशियस लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसको आप किसी भी पूड़ी पराठे या किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चटनी तो हमारी डन हो गई, अब देखते हैं बैटर हमारा कैसा है। तो देखिए यहाँ पे बैटर हमारा गाढ़ा हो गया है, तो मैंने 2
बड़े चम्मच इसमें पानी और डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमें चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना बहुत पतला हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बैटर तैयार है। तो इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाला है। और फिर इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, जो कि मैंने आधा स्पून टीस्पून, 1 टीस्पून डाली है या 1 टेबल स्पून हाफ डाली है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे बैटर के साथ, ताकि नमक का भी अच्छा फ्लेवर आए और सोडा भी मिल जाए, जिससे कि ये नाश्ता हमारा बहुत फ्लफी तैयार होगा। सोडा नहीं है तो आप इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाला नाश्ता बनाएंगे, जो कि आपके पैन में बनाएंगे। तो इसको भी तेल से ग्रीस कर लेते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा तेल डाला है ताकि नाश्ता हमारा बहुत क्रिस्पी बने। आप चाहें तो बस ग्रीसी कर सकते हैं इस अप्पे पैन को। अब यहाँ पे थोड़े से ये जो व्हाइट वाले इसमें सीड्स आते हैं ना, जिनको कि सफ़ेद तिल बोलते हैं, इसको थोड़ा डाल देंगे तो नाश्ते का कलर बहुत अच्छा लगेगा। और किसी को भी नाश्ता खिलाइए और उसका कलर बहुत अच्छा हो तो उनको बहुत पसंद आता है। अब 1-1 चम्मच इसमें भर के हम इस बैटर को डाल देंगे। और देखिए मटर और इसका जो मैंने पेस्ट बनाया था, उससे इसका कलर कितना अच्छा आया। और ये उतना ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी होता है, उससे कहीं ज़्यादा ये हेल्दी होता है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे सारे अप्पे पैन को मैंने फिल कर दिया, मतलब भर दिया। इसमें 10 से 12 अप्पे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको ढक के रख देंगे जब तक कि ये पक रहा है, तब तक चलिए दूसरा भी तरीका दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, पैन में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे, या आप जितना चाहें डाल सकते हैं। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, तिल थोड़े से डाल देंगे और फिर इसके ऊपर हम अपना जो बैटर है वो 1 से 1.5 चम्मच फैला देंगे। आपको जितना पतला या मोटा चाहिए उस हिसाब से आप इस बैटर को फैला दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच इसमें यूज़ किया है। मैं थोड़ा इसको मोटा ही बना रही हूँ। और आप इसको बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। तो उसको ढक के मैंने रख दिया। अब इधर अप्पे जो पैन में बनाए हैं उनको पलट के दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से पका लेते हैं। तो देखिए इनका कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और ये बहुत ही दिखने में अच्छे लगते हैं। और ऊपर से जितने क्रिस्प होते हैं उतना ही अंदर से सॉफ्ट होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनको मैंने पलट दिया, फिर ढक के नीचे के साइड भी पका लेंगे। और यहाँ पे जो पैन में मैंने बनाया था उसको भी पलट देते हैं, उसके भी दूसरी साइड पका लेते हैं। और देखिए ये कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है दिखने में, एकदम गोल्डन कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी रहता है। अगर बच्चों के टिफिन बॉक्स में इसको देंगे ना, तो बच्चे बिल्कुल भी नाश्ता अपना ब्रेकफास्ट छोड़ के नहीं आएंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको प्लेट में लगा लेते हैं। अब ये तो रहा हमारा पहला नाश्ता, अब चलिए जो अप्पे बनाए हैं उसको भी प्लेट में अच्छे से सजा देते हैं, क्योंकि सही हुई प्लेट किसको अच्छी नहीं लगती और भरपेट खाएंगे। तो ये 2 तरीके का नाश्ता मैंने आपको दिखाया, जो कि बाहर से बहुत क्रंची और अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये अपने घर पे बनाइए जो भी आपको पसंद हो उस तरीके से, या बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दीजिए, देखना बच्चे पूरा टिफ़िन चट करके जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी और ये चटनी कैसी लगी, ये भी कमेंट्स करना। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। और इसी तरीके से मेरे वीडियो चाहते हैं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।